हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकट के जानकारी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे पैकिंग बिजनेस आइडिया के बारे में। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, ऐसे न्यू पैकिंग बिजनेस आइडिया के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेकर के पैक करते हो और मार्केट में बेचते हो तो इसका डिमांड इतना ज़्यादा है मार्केट में। अगर मात्र एक गत्ता अगर आप इस प्रोडक्ट को बेच लेते हो तो इतना ज़्यादा इसमें बेनिफिट है, यानी कमाई इतना ज़्यादा है कि इस प्रोडक्ट का सेलिंग इतना तेज मार्केट में आजकल चल रहा है। अगर आप इसे बेचते हो तो कमाई इसमें कई गुना होने वाला है। इस प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदना होगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना फायदा होगा, प्रोडक्ट को कैसे पैक करना है, कैसे सेल करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट पॉइंट तक देखेगा। अगर वीडियो को पूरा अच्छा से समझ लेते हो तो गारंटी के साथ कहता हूं कि इस बिजनेस को करके आप बहुत ही अच्छा खासा पैसे कमाने वाले हो। सो फ्रेंड्स, एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट पॉइंट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस बिजनेस में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको खरीदना होगा इस तरह का, आपको पहले चॉकलेट खरीदना होगा, ठीक ना। तो आपको गत्ता का चॉकलेट खरीदना होगा जो कि एक पॉलिथीन में आता है। तो इसे खरीदने के बाद आपको कुछ इस तरह का डब्बा खरीदना होगा, जो कि मैंने इसे बहुत पहले ही ऑलरेडी बहुत सारा इसे खरीद कर रखा है, जो कि इसी में मैं बहुत सारा बिजनेस पैक करने के लिए बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पैकिंग का जो बिजनेस है ना, सबसे नया, आज तक कोई भी यूट्यूब पर इस तरह का कोई बिजनेस नहीं बताया है। आज मैं जो बताने वाला हूँ, ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही इजिली, आप कहीं भी रहते हो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा और आप इसका बिजनेस करके बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और अपने बिजनेस को एक टॉप लेवल पर ले जाकर के ग्रोथ कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको कम से कम 10,000 रुपए अगर आपके पास है तो आप इस बिजनेस को घर से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 10-20 हजार रुपए हैं, दिन भर सोचते हैं कि कौन सा बिजनेस किया जाए या फिर इस पैसे से कौन सा दुकान खोला जाए, या फिर दिमाग में बहुत सारा आइडिया चलता रहता है कि इस पैसे को कहां लगाया जाए जिससे अच्छा खासा इनकम हो, यानी बेनिफिट हो। तो ऐसे में फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट, लेटेस्ट और सबसे न्यू बिजनेस है। अगर आप इसे करते हो तो गारंटी में देता हूं कि आप बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाओगे। मात्र 10,000 रुपए से आपको स्टार्ट करना होगा और 10,000 रुपए से स्टार्ट करके आप बहुत ज्यादा इनकम कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं कि यहां पर इसे पैक करना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक गत्ता चॉकलेट अगर आप लोग खरीदते हो इस तरह का, तो आप लोगों को कितने रुपए में एक गत्ता पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, एक गत्ता में 40 बंडल आता है, ठीक ना। इस तरह का 40 बंडल का चॉकलेट आपको एक गत्ता में मिल जाएगा, जिसका प्राइस है, एक बंडल का प्राइस बहुत ही सस्ता है, मात्र 30 रुपए है, ठीक ना। अगर एक गत्ता खरीदते हो तो आपको मात्र 1200 रुपए में मिलेगा। अगर आप होलसेल में 10 गत्ता खरीदते हो तो 1150 रुपए तक मिल जाएगा आपको, ठीक ना। तो अगर आप होलसेल में अगर खरीद करके बिजनेस करते हो तो इसमें कुछ ज्यादा टॉप लेवल का इनकम होने वाला है, क्योंकि इसमें बेनिफिट ज्यादा है, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, पहले इसमें जान लेते हैं कि आपको इसे पैक कितने रुपए में करना है, मतलब एक डब्बा पैक करके कितने रुपए में तैयारी होगा, ठीक ना, और इसमें लागत कितना है, कितना फायदा होगा। मात्र एक डब्बा का मैं बताऊंगा और आप लोग जो है कि एक अंदाजा लगा लीजिएगा कि एक गत्ता अगर मान लीजिए छोटा या बड़ा जितना साइज का गत्ता आपको बनाना है उसमें बना करके आप लोग निकाल लीजिएगा कितना बेनिफिट हो रहा है। तो मैं एक बंडल का बताऊंगा, एक डब्बे का बताऊंगा कि एक डब्बा में कितना लागत लगेगा, कितना फायदा होगा, कितने रुपए में बेचना है, सारा कुछ मैं बता दूंगा, तो आप लोग आगे निकाल लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले इसे मैं खोल लेता हूँ। तो खोलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसमें फिल करना है, तो मैं जल्दी जल्दी फिल करके उसके बाद आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर चॉकलेट जो है ना, इस तरह का चॉकलेट है जो कि खाने में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। तो यहाँ पर देखिए, एक लाल, गुलाबी, मतलब बहुत सारा कलर है, येलो है, वाइट है, रेड है, पिंक है, तो यहाँ पर कई कलर है। तो आपको इसे पैक करना होगा जो कि खाने में बहुत बेस्ट है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खराब चॉकलेट है, बहुत बेस्ट है, थोड़ा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी पैक कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि एक डब्बे में कितना पीस पैक हुआ है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूं क्योंकि पैक करने में टाइम लगेगा, इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों का टाइम बच जाएगा। तो गाइज, इसमें पूरा टोटल पैक हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देते हैं कि मैंने इसे पैक किस तरह से किया, ठीक ना।
तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह की पैकिंग है जो कि देखने में बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है। तो आपको इसे पैक करने के लिए ऊपर से ढक्कन को लगा देना होगा, ठीक ना, थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर से दबाना है। उसके बाद दबाने के बाद इसमें लॉक लगा हुआ है जो आपको प्रेस कर देना है, ठीक ना। तो लॉक लग गया है, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डब्बा पूरा अच्छा तरह से पैकिंग हो चुका है। तो आपको करना क्या है कि इस तरह का बहुत सारा डब्बा आपको पैक कर लेना है, ठीक ना। तो बैक साइड से कुछ इस तरह का दिख रहा है। अगर आपको इसे थोड़ा ब्रांडेड क्वालिटी का बनाना है तो आपको इस पर थोड़ा सा एक स्टिकर, ठीक ना, एक स्टिकर लगा करके आपको इस तरह से चिपका देना होगा। चिपकाने के बाद आपको जितना ये सब डब्बा दिख रहा है ना, इतना ही नहीं आपको बहुत सारा डब्बा आपको इसमें पैक कर लेना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये प्रोडक्ट आपको कहाँ से खरीदना है। आपको मात्र 2 रुपये 50 पैसे से लेकर के 3 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा अगर आप गत्ते का प्रोडक्ट खरीदते हो, गत्ते का डब्बा होलसेल में खरीदते हो। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप कोई भी प्रोडक्ट गत्ता का खरीदते हो यानी होलसेल में खरीदते हो तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है, ठीक ना। ये नहीं कि 2-4-500 रुपए सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन तो इतना तो जरूर कि 100 से लेकर 50 रुपए सस्ता पड़ेगा। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो 1-1 रुपए का जो है कि वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें एक बंडल पूरा पैक हो चुका है, मतलब एक डब्बा पैक हो चुका है और एक बंडल का जो है प्रोडक्ट बचा हुआ है, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें टोटल 40 पीस पैक हो चुका है, जो कि आपको नहीं लग रहा होगा कि इसमें 40 पीस होगा, लेकिन तो छोटा है प्रोडक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो मैंने ऊपर नीचे करके डबल पैक किया है, तो आप लोग देख लीजिए 20 या 25 नीचे पैक हुआ, टोटल मिला करके 39 पीस है। मैं 40 पीस बता रहा हूँ, अगर आप किसी में और छोटा पड़ जाएगा तो 40 पीस भी हो जाएगा। तो आप अपने एवरेज के अनुसार आप भर सकते हो, या फिर ये डब्बा ले लीजिए, या फिर इसके पहले मैंने जो डब्बा दिखाया था उसे भी आप खरीद करके पैक कर सकते हो, बड़ा छोटा कोई भी ले सकते हो। आपको रेट वही लगाना है जिसका इसका जो प्राइस है, और बेनिफिट आपको अलग से इसमें जोड़ना होगा, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें टोटल 40 पीस है और 40 पीस का प्राइस हो गया यहां पर 20 रुपए, 50 पैसे का एक प्रोडक्ट है। क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर 30 रुपए में जब 60 पीस मिल रहा है तो 50 पैसे का एक प्रोडक्ट हो गया बहुत ही इजिली इस तरह का प्रोडक्ट, ठीक ना। तो आपको इसे सेल कितने में करना है, देखिए फ्रेंड्स 2-3 रुपए मार लीजिए डब्बा का, ठीक ना, 2 रुपए 50 पैसे छोड़ दीजिए, 3 रुपए मार लीजिए, यानी 23 रुपए आपका हो गया ये डब्बे का होलसेल प्राइस, सॉरी लागत, ठीक ना। तो लागत हो गया 23 रुपीज। तो यहां पर अब बात कर लेते हैं कि इसे आप बेचेंगे कितना में। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप 30 रुपए में बेचते हो तो बहुत ही इजीली ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिक जाएगा, बट आपको होलसेल वाली जो दुकान होती है होलसेलरों को इसे 28 रुपए में आपको देना होगा। अगर 28 रुपए में आप होलसेलर को देंगे तो होलसेलर जो होलसेल की दुकान किया है उसे 2 रुपए का बेनिफिट होगा, और जो खुला में 1-1 पीस बेचेगा उसे 10 रुपए का बेनिफिट होगा। इस तरह से अगर आप इसे करते हो तो ये प्रोडक्ट बहुत तेजी से आपका मार्केट में ग्रो कर पाएगा, मतलब बिजनेस आपका तेजी से ग्रोथ होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बहुत सारा पैकेटों में पैक कर लेना होगा, पैक करने के बाद आपको मार्केट में निकलना होगा बेचने के लिए। आप ये मत सोचिए कि प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि बिकेगा नहीं। एक डब्बा बेच करके अगर आप 8 रुपए का बेनिफिट, सॉरी 8 रुपए का नहीं, 5 या 7 रुपए का बेनिफिट कमाते हैं, तो अगर आप मान लीजिए एक दिन में 500 डब्बा बेच लेते हैं तो आप जोड़ लीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना रुपए फायदा हो रहा है। सो फ्रेंड्स इसे खरीदने के लिए आप कहां से खरीदेंगे तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको इसे खरीदना है, आप लोग यूपी के गोरखपुर से हैं तो आप लोग साहबगंज मार्केट में चले जाइए और ये वाला चॉकलेट का फोटो आप लोग दिखा दीजिए। यहां से फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर के आप लोग दिखा दीजिए और गत्ते का प्रोडक्ट मांगिए, तुरंत आपको मिलने वाला है। बस आपको साहबगंज मार्केट में जाकर के आपको वहां पर जो है कि बच्चों का चॉकलेट वाला आइटम जहां पर मिलता है, जिस गली में मिलता है वहीं पर आपको इसे खरीदना होगा। बाकी अगर दूसरे एरिया में जाते हो या फिर जहां पर गुटके का या फिर दूसरा प्रोडक्ट जहाँ किराना का होलसेल का आइटम मिलता है वहां जाते हो तो नहीं मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि खुनीपुर वाले रोड पर आपको ये सब प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक ना, उसके पहले ही जो मार्केट लगता है वहां पर ये सब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थोड़ा लेट रिप्लाई मैं करता हूँ ये तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा दुकान पर भीड़ रहता है। आप लोगों को मालूम है कि मेरा एक होलसेल का बड़ा दुकान है जिसमें बिजनेस है, तो फ्रेंड्स दिन भर व्यस्त ही रहते हैं और व्हाट्सएप
चेक करने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए रात में अगर टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। हमें मालूम है कि बहुत सारा आप लोग मैसेज करते हैं, मैं रिप्लाई भी बहुत ज़्यादा देता हूँ, जितना मैं कोशिश करता हूँ उतना सभी लोगों को मैं रिप्लाई देता हूँ। बहुत से लोग ऐसे अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं, तो आप लोग भी इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, और अगर आप बिजनेस अच्छा से समझ गए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर संपर्क करके आप कोई भी बात पूछना चाहते हो मैसेज के द्वारा पूछ सकते हो। बट रिप्लाई थोड़ा लेट करता हूं, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिप्लाई सबका करता हूं। आज की इस वीडियो में बस इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।